दोस्तों बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। दोस्तों खबर है कि कासगंज के आमनपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद रविवार रात को उन्हें एटा जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वहीं इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। विधायक की मौत सुनते ही जिला बीजेपी यूनिट और समर्थकों में शोक की लहर है। वहीं आपको बता दें कि 17 मई को ही विधायक की पत्नी का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हुआ था। वहीं उनकी पत्नी का पहले होम आइसोलेशन में इलाज चला, लेकिन 8 मई को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अलीगढ़ के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए आगरा के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन 17 मई को उनका निधन हो गया। वहीं आपको बता दें कि कासगंज के अमानपुर विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के अचानक हृदय गति रुकने से हुए निधन पर मुख्यमंत्री श्री योगी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपका उनके निधन पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।